अच्छा भी चल रही है, नीचे में आपके लायक किस चीज की बरामदगी हुई है? एक्चुअली मैं आज सुबह ही हमारे प्रवर्तन दल की टीम को जानकारी मिली कि जो प्रतिबंधित पॉलीथीन है उसका भंडारण इस जगतगंज क्षेत्र में है और उन्होंने इसका पता लगाया। तो जैसे ही जानकारी मिली कि जो शासन प्रशासन एवं प्रधानमंत्री जी द्वारा सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं कि वन टाइम यूज पॉलीथीन का प्रयोग न किया जाए और एक साल से लगभग प्रचार प्रसार एवं जन जागरूकता फैलाया जा रहा है, उसके बावजूद भी तमाम जगहों पर ऐसे हैं जो लोग प्रतिबंधित पॉलीथीन का भंडारण कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ़ हम लोगों ने जानकारी मिली तो यहाँ छापा मारा, जहाँ लगभग 100 कुंतल के आसपास जो है प्रतिबंधित पॉलीथीन जब्त किया गया। और चूँकि भंडारण था प्रतिबंधित पॉलीथीन का, तो उसके लिए इनके NGT के तहत इनको 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। क्या कोई गिरफ्तारी भी हुई है, आपराधिक मुकदमा इस तरीके का भी दर्ज हुआ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चूँकि उनका जो भी सामान था प्रतिबंधित पॉलीथीन वो जब्त किया गया और दंड स्वरूप इनको जो है 25,000 का जुर्माना लगाया गया। अब ये जो बरामदगी हुई है इसको क्या किया जाएगा? इसको नगर निगम द्वारा जब्त किया जाता है, फिर उसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से इसको नष्ट किया जाता है और अन्य निर्माण कार्य जैसे सड़क वगैरह है इसमें इसको यूज किया जाता है। एक और सवाल, इस तरीके की लगातार चीज़ें सामने आ रही हैं जबकि बहुत दिन हो गया रोक लगने के बावजूद, तो क्या मानते हैं कितनी बड़ी खामी है नगर निगम का? काफ़ी प्रयास किया जा रहा है और हमको लग रहा है काफ़ी सफलता भी मिली है और बहुत ही कम मात्रा में ऐसे शिकायतें मिल रही हैं जहाँ की यूज या जो भंडारण का शिकायतें मिल रही हैं, और हमें उम्मीद है कि ये जल्द जल्द बनारस जो है पॉलीथीन मुक्त बनारस होगा और इसमें जो है जनता की भागीदारी और प्रशासन सभी के सहयोग से जो है इसको पॉलीथीन मुक्त बना। शहर में इतना बड़ा तरीके से इतना बड़ा स्टोरेज किया गया था, तो क्या लगता है कितना गलत था और क्या कुछ चूक भी ये तो हुई? ये तो पूर्ण रूप से गलत रहा है, लेकिन नगर निगम अपनी सक्रियता बनाए, उसी के जो सक्रियता थी उसी के तथ्य में तो इसकी जानकारी मिली और जानकारी मिलते ही हमने तुरंत इनके ऊपर कार्रवाई की। आगे किस तरीके की और कार्रवाई करेंगे? आगे करो, अगर इस तरह की फिर दोबारा इनकी पुनरावृत्ति की जाती है तो और जो भी हमारे नगर निगम अधिनियम के तहत प्रावधान है उसके तहत इनके ऊपर कार्रवाई की। ये क्या प्लास्टिक बनाते थे या केवल भंडारण? नहीं, अभी तो जैसे हमको संज्ञान में आया है कि इनके द्वारा केवल प्लास्टिक का भंडारण किया जा रहा है।